क्रिकेट में हजारों फाइट आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे कितना ही कूल माइंड हो या फिर तेज सातिर वाला दिमाग, दोनों ही फाइट करते आपको दिख जाएंगे। तो आज हम सात ऐसी फाइट के बारे में बात करेंगे जो क्रिकेट इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी और ये कैप्टन कूल तक। अब इस वीडियो में आपके फेवरेट प्लेयर्स की फाइट होने वाली है तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। चलो भाई देखो अपने क्या। 2013 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत मैच खेल रहा था रैना की एक बॉल में धोनी स्टंपिंग कर देते हैं माइकल हसी। धोनी ऐसे स्टंपिंग के बाद बहुत कॉन्फिडेंट थे और एम्पायर ने भी इसको आउट दे दिया, पर रिप्ले में जब देखा जाता है तो माइकल हसी का थोड़ा सा जूते का पार्ट अंदर था, मतलब एम्पायर ने एक गलत डिसीजन दे दिया था, इसलिए एम्पायर माइकल हसी को वापस बुला लेते हैं। और फिर क्या, फिर धोनी और एम्पायर की झड़प हो जाती है कि पहले आउट देने के बाद डिसीजन दोबारा से रिवर्स कैसे किया गया। आप इसकी ओरिजिनल वीडियो देख लीजिए। Hussey is going to get the, such a surprise. Come back, mate. What? Now look at Dhoni. Dhoni is home straight in on the umpire there and asked him, and he's getting the explanation now. And the umpire, the explanation is quite simple. Bruce Oxenford has pushed the wrong button. It's as simple as that. फाइट नंबर 6 2011 का मैच था, विराट कोहली और रूबल हुसैन के बीच ये वर्बली अब्यूज का मामला सामने आया। विराट टीम में नए नए आए थे और रूबल हुसैन ने विराट को कुछ कह दिया जिसके बाद विराट ने उनको बोला बैन, एंड इसकी ओरिजिनल वीडियो ये देख लीजिए आप। Gotta give credit to Virat for the way he's played his cricket. He's got to hold his own though. 45 one-dayers for Virat Kohli, 400s. फाइट नंबर 5 इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी और जॉनसन बार बार कोहली के पैर में बॉल मार दे रहे थे और उन्हें उकसा रहे थे। कोहली भी 2-3 बॉल छोड़ के एक बॉल में चौका मार देते और जवाब देते, और ऐसा करते करते बात बहुत बढ़ गई और कोहली ने जॉनसन की बहुत पिटाई की। इस मैच में कोहली ने 169 रन बनाए, एंड इसकी ओरिजिनल क्लिप आप देख सकते हैं। Mitchell Johnson's gone straight up. Partnership is the most important part of batting. Near the edge, there's no one there. It's gone the gap. Probably about fourth slip. Only two men in there with this second new ball, and that was certainly catchable height in the gap. And there's a bit going on out in the middle too now. फाइट नंबर 4 2014 श्रीलंका पाकिस्तान का तीसरा T20 मैच था जब तिलकरत्न ने दिलशान का बल्ला अहमद शहजाद पकड़ लिया, एंड वो तिलकरत्न ने दिलशान को धक्का मार देते। बात तो तब बढ़ गई जब मैच के बाद ये तिलकरत्न ने दिलशान को उनका धर्म परिवर्तन करने को कह देते हैं और ये टीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। भाई पाकिस्तान वालों क्या करते हो यार। श्रीलंका विनिंग बाय 7 विकेट्स थ्रू द Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth. नंबर 3 में युवराज सिंह वर्सेस फ्लिंटॉफ की लड़ाई आती है जब फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को कुछ ये बोल दिया। मुझे बोला कि तू बाहर आ तेरा मैं गला काट दूंगा, एंड इसके बाद युवराज सिंह ने कुछ ये बोला। तो मैंने फिर फ्रेडी को बोला, मैंने कहा ये बैट देखा है ना तूने मेरे पास, बाहर की तो बात बात में है, तेरे को पता है ये बैट कहां जाएगा। पर पिटाई ब्रॉड की हो गई, एंड इस मैच को सब जानते ही होंगे। इस मैच में युवराज सिंह ने ब्रॉड को 6 छक्के मारे और ये इतिहास की सबसे बड़ी राइवरली बन के रह गई। खैर युवराज सिंह ने एक चीज तो बता दी, नेवर मैच विद इंडियंस। A few words exchange between युवराज एंड फ्लिंटॉफ। I wouldn't bother you, Raj, if I was you. That's huge. Six ball. Difference. It doesn't. Five. Last ball of the innings. And he's put it away. Oh, has he? Yes, into the crowd. 6 sixes in an over. वैसे इंडिया से हो तो कमेंट सेक्शन में सब लोग जय श्री राम लगा देना। फाइट नंबर 2 कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। सबको लगता है ये फाइट नहीं करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच 2009 की बात है। धोनी सिंगल के लिए दौड़ रहे होते हैं कि जॉनसन उनके रास्ते में आ जाते हैं और धोनी उनसे टकरा के गिर जाते हैं जब उनका हेलमेट भी निकल जाता है, एंड इसके बाद भाई धोनी का अग्रेशन देखने लायक रहता है। नंबर 1 से पहले ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। लोग इंडिया से हो तो जय श्री राम लिख के लाइक सब्सक्राइब कर देना यार सब लोग। नंबर 1 में तो एक ही फाइट आती है जो आईपीएल में कोहली वर्सेस गंभीर की हुई थी, क्योंकि ये दोनों इंडियंस की फाइट थी।